सूडान से वापस लाए जा रहे भारतीय नागरिक, चलाया जा रहा है ऑपरेशन कावेरी। अब तक 534 भारतीय सऊदी के जेदाह पहुंचे। अतीक के दफ्तर में इंसान का ही था खून, सैंपल में हीमोग्लोबिन की पुष्टि, आ जाएगी एफएसएल की जांच रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज होगी सुनवाई। कल होगा पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार। उनके गांव ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। केंद्र ने दो दिनों तक के राजकीय शोक का ऐलान किया। सिलवासा से पीएम मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर किया प्रहार, कहा अब तुष्टिकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टिकरण पर दिया जा रहा है जोर। मानहानि मामले में राहत के लिए गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। इसी केस में जा चुकी है संसद की सदस्यता। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध किया, सिसोदिया को बताया घोटाले का सूत्रधार। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की है मांग, आज पूरी होगी याचिकाकर्ताओं की जिरह। दो दिन के भारत दौरे पर चीन के रक्षा मंत्री एससीओ समिट में करेंगे शिरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। और नौ की न्यूज में आइए अब आपको दिखाते हैं राजनीति की वो सारी बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। कर्नाटक चुनाव को लेकर पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। बीजेपी कांग्रेस के बड़े चेहरे आज कर्नाटक में भरेंगे हुंकार। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार अभियान तेज हुआ। यादगीर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, जीत का दिया वादा। कर्नाटक सरकार ने 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने का समर्थन किया, कहा कि धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है आरक्षण। साधी प्राची ने अतीक के परिवार पर लगाए आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप, कहा कि आतंकवादियों से कनेक्शन था। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के ऑर्डर पर उठ रहे हैं सवाल। जिलाधिकारी की पत्नी का सीएम नीतीश पर आरोप, वोट बैंक के लिए न लें ऐसे फैसले। महाराष्ट्र में सियासी हलचल बहुत तेज हुई है। धाराशिव में एनसीपी नेता अजीत पवार को भावी सीएम बनाते हुए पोस्टर्स लगे हैं। राम मंदिर पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा कि बीजेपी के नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। राजधानी जयपुर में निरीक्षण किया, शिविर में लोगों को मिलेगा योजनाओं का पूरा फायदा। लखनऊ दौरे पर त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बात हुई। और अब राजनीति की खबरों के बाद आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र तमिल समागम के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। सुबह करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। आज होगा दिल्ली मेयर का चुनाव, सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सबसे पहले चुना जाएगा मेयर, फिर डिप्टी मेयर का भी होगा चुनाव। सीएम योगी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। आरोपी ने 112 पर मैसेज कर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के आरोप में डीयू से निष्कासित एनएसयूआई के नेशनल सेक्रेटरी लोकेश चुग की याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। डीयू ने कहा बिना इजाजत स्क्रीनिंग में हिस्सा लेना अनुशासनहीनता। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन, कई जगहों पर आगजनी। यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान, 17 से 24 मई तक होंगी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं। दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर कार ने रिक्शा चालक को टक्कर मारी, 350 मीटर तक घसीटा। पुलिस ने कार चालक को पकड़ा, रिक्शा चालक का फिलहाल इलाज जारी। अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की अचल मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। कर्नाटक के मैसूर से लाई गई शिलाओं को दिया जा रहा है रूप। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन ने बनाया नया रिकॉर्ड, इस साल एक महीने में 3,77,000 से ज्यादा सैलानियों ने ट्यूलिप गार्डन की सैर की। तो नौ की न्यूज में राज्यों की बड़ी खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं क्राइम की नौ बड़ी खबरें रफ्तार से। इंदौर की एक युवती के साथ मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती के बाद धोखाधड़ी हुई है। 82,000 रुपए ऐंठने के बाद शख्स ने लगा धमकियां, मामले की जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में ऑपरेशन नकेल के तहत पुलिस ने की कार्रवाई, एमएलए के नाम के फेक स्टिकर्स लगे हुए, दो कारों को सीज किया है।
छपरा में नशे में धुत कार सवार पांच लोगों ने उत्पाद विभाग के साथ मारपीट की। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार से शराब की बॉटल्स मिली है। कारस्तान के चौक में मुर्गी चोर के आरोप में युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई हुई। पीड़ित के परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लखनऊ में पुलिसकर्मियों की दिखी दबंगई। बाटी चोखा खाने के बाद पैसे देने से किया इंकार। पैसे मांगने पर दुकानदार की पिटाई की। रोहतक में खबर है, यहां पर एसी को लेकर विवाद बढ़ गया। 3 साल पुराना है बताकर बेचा 14 साल पुराना एसी। पैसे मांगने पर पिस्तौल तानकर धमका दिया गया। बाराबंकी में मौन भाव करने पर दुकानदार ने ग्राहक को पीटा। आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। झारखंड के खूंटी में रिमिक्स फॉल में डूबे 3 लोग, 2 की मौत हुई, 1 की एक को ग्रामीण ने बचा लिया है। रायबरेली में आंधी और बरसात के चलते दीवार गिर गई। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हुई। इलाज बाकियों का जारी है। और 9 की न्यूज में आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में है। टॉप 9 बड़ी खबरें। यीशु से मिलने के नाम पर केन्या में 89 लोग भूखे मरे। कब्र की खुदाई के दौरान मिले शव। पादरी ने भगवान से मिलने के लिए भूखे रहने का ज्ञान दिया था। सूडान में गृह युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। पीएम ऋषि सुनक ने हालातों का जायजा लिया। सूडान में 72 घंटे के लिए है युद्ध विराम। साइप्रस के ब्रिटिश बेस पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर की गई तैयारी। आरएएफ विंग कमांडर ने कहा कि सूडान के मौजूदा हालातों ने रेस्क्यू को चुनौती भरा बना दिया है। वॉशिंगटन के दौरे पर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून कोरियन मेमोरियल पहुंचकर बाइडेन और यून ने श्रद्धांजलि दी। स्लोवेनिया में किसानों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पर्यावरण और टैक्स रेट में सुधार की मांग को लेकर किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। मेक्सिको में सड़कों पर उतरे लोग आग लगने की घटना को लेकर प्रदर्शन किया। पिछले महीने डिटेंशन सेंटर में आग लगने से 40 लोगों की मौत हुई थी। लीबिया में प्रवासियों से भरे 2 नाव डूबने से हादसा हुआ। 57 लोगों की डूबकर मौत हुई। इटली के वेनिस में बोकोलो फेस्टिवल मनाने के लिए जुटे लोग। छातों के साथ लोगों ने बनाई गुलाब की आकृति। बार्बी ने मार्केट में लॉन्च की नई डॉल। डाउन सिंड्रोम वाली पहली बार्बी लॉन्च। बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र। तो 9 की न्यूज में विदेश की बड़ी खबरों के बाद वक्त हो गया खेल जगत की अपडेट्स देने का। टॉप 9 बड़ी खबरें। कल खेले गए आईपीएल मैच में गुजरात टाइटंस की मुंबई पर पहली जीत। गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 207 रन। 20 ओवर में 152 रन ही बना सकी थी मुंबई की टीम। आज बेंगलुरु और कोलकाता के बीच मैच खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में मुकाबला है। धर्मशाला में होंगे आईपीएल के 2 मैचेस। 17 और 19 मई को मुकाबले। कल से शुरू हो रही न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज। रावलपिंडी में खेला जाएगा पहला मुकाबला। न्यूजीलैंड की वनडे टीम का हिस्सा बने मार्क चैपमैन। T20 बेहतर प्रदर्शन करने के बाद वनडे में पाकिस्तान के लिए बनेंगे मुसीबत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ। टीम इंडिया में अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है। कैप्टन रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल को टीम में मिली जगह। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव को बाहर किया गया। श्रीलंका आयरलैंड के बीच दूसरे टेस्ट का आज तीसरा दिन। पहले इनिंग्स में स्टर्लिंग और कैंप की शतक की बदौलत आयरलैंड ने बनाए 492 रन। श्रीलंका ने भी धमाकेदार शुरुआत दी। और चलिए खेल की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं मनोरंजन की सुर्खियां। टॉप 9 बड़ी खबरें। फिल्म किक 2 में नजर आ सकते हैं आसिम रियाज। बिग बॉस 13 के रनर अप रहे हैं आसिम। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स। 4 दिन में 78 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है फिल्म। एक्टर शर्मन जोशी की अपकमिंग फिल्म म्यूजिक स्कूल का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में एक्ट्रेस श्रेया सरन भी आएंगी नजर। फिल्म 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मई के पहले हफ्ते में रिलीज होगा शाहरुख की फिल्म जवान का नया प्रोमो। फिल्म 2 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर उन्नी मुकुंदन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्नी ने मुलाकात के बाद अपनी खुशी भी जाहिर की।
सेक्स रैकेट के मामले में भोजपुरी एक्ट्रेस सुमन यादव गिरफ्तार। सुमन यादव को लग्जरी होटल में ट्रैप लगाकर रंगे हाथों पकड़ा। सानिया मिर्जा एक्टिंग में आजमाएंगी हाथ, शो बेकाबू में आ सकती है नजर। एकता कपूर के निर्देशन में बन रही है फिल्म। ट्रेलर स्विफ्ट ने हाथ में चोट लगने के बाद दिया हेल्थ अपडेट, फैंस के सवाल पर कहा कि वो अब ठीक है। 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करेंगे अर्नॉल्ड, एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्रेकआउट में आएंगे नजर। और अब वक्त हो गया है 9 की न्यूज में मनोरंजन की सारी अपडेट्स देने का रफ्तार के साथ। आपको दिखाते हैं मनोरंजन जगत के बाद वायरल खबरें रफ्तार के साथ। यहाँ पे संभल से खबर है जहां पर प्रियंका की शादी में अड़ंगा डालने के लिए शख्स ने साजिश रची, सोशल मीडिया पर बनाई अपनी हत्या की झूठी वीडियो, पुलिस ने किया उसको गिरफ्तार। गुरुग्राम में पुलिस ने 2 गौर तस्करों को गिरफ्तार किया, गायों को लेकर जा रहे थे मेवात, पुलिस ने 20 किलोमीटर तक पीछा किया। बसला के गांव में दबंगों ने एक लड़की को पीट दिया, जमीन विवाद में मारपीट की गई। मध्य प्रदेश के दतिया में जूली की दुकान में 5 महिलाओं ने करीब 4 लाख रुपए के जेवरातों की चोरी की, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। वेस्ट नोएडा के दादरी टोल प्लाजा पर मारपीट, टोल कर्मियों ने स्थानीय लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखनऊ में पार्षद पद का टिकट न मिलने पर सपा नेता ने लगाए पोस्टर्स, पोस्टर में सपा विधायक को बेवफा बताया गया। कर्नाटक के तुमकुर से सामने आया खूबसूरत सा वीडियो, बीएसएफ जवानों पर लोगों ने बरसाए फूल, आरती करके उनका वेलकम किया। इंदौर के जू में नए मेहमान आ गए हैं, शेरनी सुंदरी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। लद्दाख में ईद के मौके पर महिलाओं ने यहां पर संदेश दिया, पूरे गांव की सफाई कर पेश की मिसाल, महिलाओं ने एक साथ मिलकर स्वच्छता के नारे भी लगाए। जी न्यूज़।